नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के स्टूडियो में हम दोस्तों बात करेंगे पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, जहां पे दोस्तों पीएसयू बैंक प्राइवेटाइजेशन का पोटेंशियल कैंडिडेट है दोस्तों, और क्या नए तथ्य मिल रहे हैं उस स्टॉक के ऊपर, उसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको सिर्फ 2 रुपये का रिस्क है और दोस्तों 80 रुपये का मुनाफा आने वाले 1 साल में मिल सकता है अगर सब कुछ टाइम पे होता है। तो दोस्तों पूरा वीडियो देखना, लॉजिक के साथ समझना, और अगर आप कन्विंस है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए दोस्तों कि आपको लगता है कि क्या ये बैंक आने वाले टाइम में प्राइवेटाइजेशन हो सकता है। क्योंकि दोस्तों एयर इंडिया में जब से दोस्तों एयर इंडिया का मोहर लग चुकी है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, अब BPCL और उसके बाद बहुत ही जल्द इसके ऊपर फोकस होगा और इस बैंक का जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। जो भी बैंक आएगी वो सब में ज़बरदस्त उछाल आएगा। ये बैंक क्यों होगी उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। दोस्तों पिछले दोस्तों 27 अगस्त और वहाँ पे दोस्तों सितंबर में मैंने वीडियो बनाया था दोस्तों, तब 18 रुपये 20 पैसे चल रहा था। मैंने आपको तब बोला था 20 पैसे का दोस्तों आप स्टॉप लॉस रखिए और दोस्तों आपको पैसा बन सकता है। दोस्तों अभी वही स्टॉक बहुत ही बढ़िया प्राइस के ऊपर चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट है। बट दोस्तों और भी इसमें मुनाफा मिल सकता है, तो 15-20% मुनाफा के लिए इस स्टॉक में ना बने रहे और पैसा बन सकता है तो इसमें होल्ड करके रखिए। क्यों उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर जोरा गर्व फरमाइए। प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 93.33 जून 2021 के हिसाब से। और दोस्तों प्रमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दोस्तों। और FII की अगर बात करें तो कुछ नहीं है, बट DII के पास भी दोस्तों शेयर होल्डिंग है, वो उसमें है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके पास में 1.85% का शेयर होल्डिंग है। यानी कि दोस्तों तकरीबन 95% तो शेयर होल्डिंग गवर्नमेंट के ही पास है, बाकी 4.41% का जो होल्डिंग है वो लोगों के पास है दोस्तों। उसमें DII छोटे मोटे इन्वेस्टर आ गए और सब कुछ दोस्तों, जो बड़े HUF और वो सब उसमें आ जाते हैं दोस्तों। बैंक का नाम है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसमें ये क्यों प्राइवेटाइजेशन हो सकता है उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाया था, बट दोस्तों यहाँ पे कुछ चार्ट के ऊपर भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल रही है लॉजिकली, तो उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का BSE का कोड है 532525, NSE का कोड है महाबैंक दोस्तों। मार्केट कैप 13562 है और करंट प्राइस दोस्तों 20 रुपये है, जो हम 8.20 का बात कर रहे थे और अभी का प्राइस दोस्तों 20 रुपये से ज़्यादा है। यानी कि दोस्तों तकरीबन 15-17% तक का रिटर्न ऑलरेडी बन रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे ज़बरदस्त दोस्तों अपॉर्चुनिटी है, तो इसको मिस मत करना। स्टॉक का PE है 19.9, बुक वैल्यू है 18.3 और ROE ROCE दोस्तों खराब है, फेस वैल्यू 10 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो है वो 1.23 है दोस्तों। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 45.6% है और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 14.5 है, जो बहुत ही ज़्यादा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल 4.92 है, जो बिल्कुल घटिया है दोस्तों। इंडस्ट्री का PE बात करें 11.3 है और प्रॉफिट वेराइज 5 ईयर्स 37.0 है दोस्तों। अब इसमें पॉजिटिव ट्रिगर क्या हो सकते हैं दोस्तों? अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र मान लो कि दोस्तों इसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता है आने वाले टाइम में, तो हमें वैसा स्टॉक पकड़ना चाहिए कि अगर उसका प्राइवेटाइजेशन ना हो तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है वो दोस्तों कम ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि दोस्तों वो हमारी खून पसीने की कमाई होती है और उसमें हमारा बिल्कुल जो रिस्क होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए और हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसका पहला रीज़न मैं आपको लॉजिकली बता रहा हूँ दोस्तों। चार्ट के ऊपर जो ज़बरदस्त रीज़न दिख रहा है वो बाद में हम डिस्कस करेंगे टेक्निकल के ऊपर, बट पहला बड़ा रीज़न दोस्तों बेड लोन के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अभी की गवर्नमेंट ने फिलहाल बेड बैंक बना दिया है दोस्तों। तो एक सबसे बड़ा अच्छा पॉजिटिव रीज़न सारे PSU बैंक के लिए, सिर्फ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए नहीं है ये चीज़। दूसरा बड़ा रीज़न ये है दोस्तों कि अब जो कंपनियां दोस्तों डेप्ट लेके भाग जाते थे उनको अब सबक सिखा रही है गवर्नमेंट, पैसा थोड़ा सा दोस्तों रिकवर कर रहे हैं। हमने नीरव मोदी जी का केस देखा और गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिकवर देयर मनी एट सैनियम से, और काफ़ी दोस्तों डेप्ट रिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहे हैं और काफ़ी फास्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से एक चांसेस है कि PSU बैंक आने वाले टाइम में आउट परफॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। अब प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर नज़र डालें तो दोस्तों ईयर टू ईयर आप देखेंगे मार्च 2010 से लेकर 2021 तक
तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा है, रेवेन्यू इंक्रीज हुई है, इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा है और फाइनेंस एक्सपेंस भी ज़्यादा है। तो दोस्तों फाइनेंशियल प्रॉफिट लॉस में है दोस्तों, और नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 680 है और 1 का पी है दोस्तों, यानी कि बहुत ही छोटा सा ईपीएस है और वैल्यूएशन के साथ काम करती है। बट दोस्तों आप पिछले कुछ सालों से देखेंगे कि कंपनी की जो बैड लोन की हालत थी, एनपीए ज़्यादा हो गए थे, उसके वजह से दोस्तों डिविडेंड भी कंपनी ने नहीं दिया है दोस्तों। अब चलते हैं दोस्तों दूसरा लॉजिकल रीज़न के ऊपर कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे दोस्तों। अभी का प्राइसिंग अगर देखें और उसमें क्वांटिटी ट्रेड की बात करें तो दोस्तों 78,09,320 क्वांटिटी ट्रेड हो रही है और डिलीवरी क्वांटिटी है वो 37,60,000 हो रही है, और टोटल अगर आप देखें तो 48.50% का दोस्तों डिलीवरी क्वांटिटी हुआ है आज के दिन में। प्रीवियसली अगर बात करें दोस्तों 4 अक्टूबर को, तो जहां पे 59.6% का दोस्तों डिलीवरी पॉइंट है, और 1 अक्टूबर में देखें तो 35.2% है। और दोस्तों यहाँ पे वॉल्यूम भी इंक्रीज है, जो मैं चार्ट के ऊपर डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या वॉल्यूम में ज़बरदस्त इंक्रीज हो रहा है। 27.5% का है, 43.3% है, और पिछले वीक भी आप देखिए कि दोस्तों जंप इन डिलीवरी हुई है और प्राइस भी अप हो रहा है, यानी कि काफ़ी अच्छा है दोस्तों, प्राइस चेंज हुआ है और वॉल्यूम भी डिलीवरी भी बढ़ी है वॉल्यूम के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा साइन होता है। अब चलते हैं कि और क्या लॉजिकल रीजन से कि जो आने वाले टाइम में हमें 100 तक के टारगेट दिखा सकता है ये स्टॉक। दोस्तों हमने देखा कि काफ़ी बड़ा स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, बट दोस्तों QIP आया था इसका और 17 जुलाई 2021 के हिसाब से 90.97% स्टेक जो है वो गवर्नमेंट का है, और उसके अलावा दोस्तों 4.62% का स्टेक जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। इसमें LIC का जो होल्डिंग है वो 3.07% है एंड HNI का होल्डिंग है दोस्तों वो 1.70% है। बाकी के जो शेयर है वो 18.22 करोड़ है और बीइंग 2.71% हेल्ड बाय 3.23 लाख शेयर होल्डर विथ ईच इन्वेस्टर ऑन एवरेज होल्डिंग इज 564 शेयर एज अ स्टॉक हैज नॉट सोन ऑफ एनी राइज, इनफैक्ट फेल इन अ लास्ट 3 मंथ दोस्तों, 25 रुपये से काफ़ी गिरावट आई है और अबाउट 6,000 रिटेल शेयर होल्डर एग्जिटेड पोस्ट 36 जून 2021 में। तो दोस्तों रिटेल स्टेक जो है वो रोज हुआ है बाय 52 लाख शेयर इन अ लास्ट 17 डेज। This retail float is of a 370 crore, while 75% of may not come for a selling. So mutual fund and FII seen a keen buyer will have a maximum float available of a rupees 92 crore, which peanuts of them. Or dosto NBFC heavyweight are seen willing to buy dosto Bank of Maharashtra shares can move to 40 by this time. बिड विल बी इन्वाइटेड एंड कैन ब्रिज 100 रुपीज तक के टारगेट दोस्तों हो सकते हैं इन नेक्स्ट 12 मंथ पोस्ट टैक्स सेल्स। अब दोस्तों जो टैक्स सेल की बात हो रही है वो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, बात है तो अभी सब हवे में बात है, बट दोस्तों ये लॉजिकली अगर सिक्वेंस के साथ अगर होता है तो ये हो सकता है। और दोस्तों हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स सेल जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूलिंग आउट किया है एयर इंडिया का, और नीति आयोग जो है हिंद कॉपर का और नालको का भी करने वाले हैं, और सून दोस्तों BPCL के बाद IDBI के स्टेक सेल के बाद इसका नंबर आ सकता है, और PSU बैंक का दोस्तों कमिंग विंटर सेशन का जो पार्लियामेंट रहेगा वहां पे दोस्तों होगा और बहुत ही बढ़िया वहां पे हो सकता है दोस्तों, 2 PSU बैंक का होने वाला है। तो और अब हम चलते हैं दोस्तों, ये महाराष्ट्र बैंक का वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट के ऊपर दोस्तों क्यों 2 रुपये का रिस्क है उसको मैं दोबारा दोस्तों बोलता हूं, और आपको बताया मैंने कि 100 रुपीज़ तक के टारगेट आने वाले टाइम में हो सकते हैं इस स्टॉक में अगर सब सही से जाए और इसका सिलेक्शन हो जाता है PSU प्राइवेटाइजेशन में। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे कंटिन्यूस दोस्तों सपोर्ट ले रहा है। 27 अगस्त का अगर आप क्लोज देखेंगे तो 18.5 है, यहाँ पे 3 सितंबर का क्लोज 18.5 है, और यहाँ पे 9 सितंबर का जो वीक का क्लोज है वो भी 18.20 है, और 17 सितंबर का क्लोज है वो 19.30 है, और यहाँ पे 18 का लो बनाया और 18.5 का क्लोज दिया दोस्तों 24 सितंबर, और लास्ट वीक ज़बरदस्त तेजी आई 1 अक्टूबर को और दोस्तों क्लोज आया 20 का, बट लो कहाँ पे बना रहा है दोस्तों 18 रुपये के आसपास। तो 18 रुपये का बिल्कुल ज़बरदस्त सपोर्ट लेवल है और वो सपोर्ट लेवल बना था दोस्तों यहाँ पे लो जब बना था 19 मार्च 2021 का, स्विंग लो बनाया और दोस्तों ज़बरदस्त
हुई थी और स्टॉक दोस्तों 32 तक गया था दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पहला रेजिस्टेंस जो आ रहा है वो 26 रुपीस के आसपास आ रहा है और दूसरा रेजिस्टेंस 30 के आसपास आ रहा है। तब तक के लिए दोस्तों बीच में कोई हैंडल नहीं है और दोस्तों ज़बरदस्त गिरावट आई थी जब जो इक्विटी थी जो यहाँ पे PSU बैंक प्राइवेटाइजेशन का न्यूज़ कंफर्म नहीं हुआ था उसकी वजह से बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ज़बरदस्त गिरावट आई है। अब दोस्तों डेली चार्ट के ऊपर चलते हैं और वहाँ पे दोस्तों मैं दो बार ट्रिगर बताऊँगा चार्ट के ऊपर जिसकी वजह से आपको बाय करना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों कोई न्यूज़ ना होने के बावजूद भी ज़बरदस्त वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ज़बरदस्त वॉल्यूम डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं। पहले ये वॉल्यूम तब बने थे जब इसका प्राइवेटाइजेशन लिस्ट में नाम होने वाला था, उसके बाद ऐसे बड़े वॉल्यूम बने ही नहीं है, बट यहाँ पे सडनली वॉल्यूम्स अप हो रहे हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त है और डिलीवरी भी हाई है। और दूसरा बड़ा रीज़न दोस्तों कि 50 डेज का जो DMA है दोस्तों एवरेज है उसको पार कर दिया है स्टॉक ने यस्टरडे, तो काफ़ी अच्छा उसके ऊपर अभी चल रहा है दोस्तों दो दिन से, तो वो काफ़ी चीज़ अच्छी है। अब चलते हैं दोस्तों और एक तीसरे ट्रिगर पॉइंट के ऊपर जहाँ जो वो लेवल टूटेगा 200 डेज का मूविंग एवरेज जो यहाँ पे आपको मिल रहा है दोस्तों अराउंड 21 रुपये के आसपास चल रहा है और अभी स्टॉक वहीं पे है दोस्तों। एक बार इसको तोड़ता है स्टॉक तो और मूवमेंट आ सकता है इस स्टॉक के अंदर दोस्तों। तो ये सारे दोस्तों मेरे पर्सनल व्यू है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों आगे जो जो डेवलपमेंट होता है वो सारे डेवलपमेंट मैं अपने चैनल के ऊपर कवर करने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया है और आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अगर पैसा लगाना चाहते हैं और डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं दोस्तों तो फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।